तो दोस्तों आजकल हर किसी को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक तो होता ही है, लेकिन दोस्तों आज के समय पर ज्यादातर यूजर अपने स्मार्टफोन से ही फोटोज को क्लिक करना ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों अच्छी फोटोज के लिए काफी कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि गाइजर HDR काम कर रहा है या नहीं, एक्सपोजर बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों अच्छी फोटोज के लिए ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है, और आज हम यहाँ पर इन सभी चीजों पर ध्यान दे करके आप सभी के लिए लेकर आए हैं टॉप 4 बेस्ट कैमरा फोन्स अंडर 15,000 रुपीज, जहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ कैमराज ही अच्छे नहीं मिलने वाले हैं बल्कि परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर एक अच्छा सा कैमरा वाला फोन ढूंढ रहे गाइस, तो आज की इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने यहाँ पर कोई भी रैंकिंग वगैरह नहीं की है। आज आपको यहाँ पर 4 स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं अलग अलग ब्रांड की तरफ से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पर ओप्पो के K10 से। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। बैक साइड में आपको 3 कैमरा देखने को मिलेंगे, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, और यहां पर आपको f1.8 का अपर्चर मिलता है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ दोस्तों आपको मिलता है यहां पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। हालांकि दोस्तों कैमरा सेटअप थोड़ा सा ओके टाइप का दिया गया है, लेकिन आपको इमेज आउटपुट काफी अच्छे मिलते हैं। आपको यहाँ पर जो AI फीचर दिया गया है वो काफी ज्यादा यूजफुल है, साथ ही में HDR वगैरह भी काफी अच्छे से काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर डे लाइट और लो लाइट पे भी काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाती है। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की गाइस, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो भाई कैमरास आपको यहाँ पर अच्छे मिलने वाले, स्टिल फोटोग्राफी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। बात कर ले कुछ अदर फीचर्स की गाइस, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और साथ ही साथ ट्रिपल कार्ड का स्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 11 के कलर OS 11.1 पर, तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं फोन के मेन फीचर्स की। तो भाई इस फोन के अंदर आपको दी गई 6.59 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 480 नीट्स की ब्राइटनेस भी मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में भी कोई खास दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी। साथ ही में 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है और 180 हर्ट्ज की आपको यहां पर टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी से आपको यहां पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आएगी। बात करें फोन की परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जो कि भाई बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की कर सकते हैं। साथ ही में फोन के अंदर आपको UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको रीड और राइट के साथ ऐप लोडिंग की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी मिल जाती है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर डिसेंट निकाल कर देगा। बात कर ले पावर हाउस की, तो दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जहाँ पर 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है और भाई देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस बैटरी मॉड्यूल का भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है। और रही बात फोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों, तो बिल्ड क्वालिटी आपको प्लास्टिक की मिलने वाली है, लेकिन आपको यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो उसमें भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। सो भाई अगर आप यहाँ पर ओप्पो के फैन हैं और आपको ओप्पो की तरफ से अच्छे कैमरा वाला फ़ोन लेना है, साथ ही छोटे छोटे फीचर्स काफ़ी सारे चाहिए, तो आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,990 रुपये। वहीं पर स्मार्टफोन का 8 और 128 वाला वेरिएंट आपको मिलता है 16,990 रुपये की प्राइस पर। बट दोस्तों सेल वगैरह में ये जो स्मार्टफोन है ये आपको अंडर 15,000 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगा, स्मार्टफोन का हायर वेरियंट, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी बात होती है। सो आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। सभी के जो बेस्ट फाइलिंग्स है गाइस वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और भाई कैमरास की बात हो रही है यार, तो ऐसे में वीवो कहाँ पीछे रहने वाला है। तो दोस्तों वीवो की तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो का T1 5G। तो चलिए शुरू करते हैं फोन के कैमरास से। गाइस बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलने वाले, जहाँ पर मेन कैमरा लगा होगा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है और सामने की तरफ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरास दोस्तों फोन के यहाँ पर अच्छे परफॉर्म करते हैं। डे लाइट वगैरह में आपको यहाँ पर HDR, एक्सपोजर और सेचुरेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर AI फीचर भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, तो आपको यहाँ पर थोड़े से बूस्टेड कलर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे अगर आपको ज़रूरत होगी तो। और दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा से आउटपुट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। रही बात दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की, सो आप यहाँ पर भी मैक्सिमम फुल HD की ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा बूस्टेड कलर्स चाहिए होंगे, तो आप आईगो के Z6 5G के साथ में जा सकते हैं। हालांकि दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है, लेकिन
लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पर ट्यूनिंग चेंज देखने को मिलेगी, वहाँ पर थोड़े से आपको एडवांस बूस्टेड कलर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर आई प्लीजिंग या फिर यू कहें कि सैचुरेटेड फोटोज ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ पर आईकू के Z6 5G की तरफ भी देख सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों फोन के कैमरास काफ़ी अच्छे हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं फोन के अदर फीचर्स की। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक भी दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है जहाँ पर आपको ऑडियो भी अच्छी मिलती है, साथ ही में आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात दोस्तों यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 12 पर जहाँ पर आपको मिलता है फनटच ओएस 12। भाई सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह के साथ में आता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स की। दोस्तों इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस की एक IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और गेमिंग वगैरह के लिए 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। तो डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर आपको बजट के हिसाब से अच्छी मिल जाती है, उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस्ड Qualcomm Snapdragon 695 का एक तगड़ा सा पावरफुल गेमिंग चिपसेट, जो कि आपको यहाँ पर डेली टास्क वगैरह तो अच्छी कराता ही है, साथ में आपको यहाँ पर इस बजट के हिसाब से गेमिंग भी काफ़ी तगड़ी करा देता है। साथ ही में फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4-layer लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जिससे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेटर मिलती है। साथ ही LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जहाँ पर 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर मीडियम यूजिंग पर एक दिन का बैकअप बहुत आराम से दे देती है, सो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। सो ओवरऑल गाइज, अगर आप यहाँ पर एक गुड लुकिंग, अच्छी परफॉर्मेंस वाला और साथ ही साथ अच्छे कैमरास वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो भाई आप इस फोन की तरफ जरूर देख सकते हैं। बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे पूरे के पूरे 16,000 रुपये, और अगर आप यहाँ पर स्मार्टफोन को सेल वगैरह में परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज की प्राइस पर आपको मिल जाता है। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है गाइज, तो आप इस फोन की तरफ भी जा सकते हैं। गाइज इस लिस्ट का जो अगला फोन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा Realme का 9 4G। शुरू कर लेते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है। साथ ही साथ ये फोन सिर्फ और सिर्फ 178 ग्राम का है, और हाँ दोस्तों इसकी थिकनेस है 8mm, सो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम फोन भी है। अदर फीचर्स की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक आपको यहाँ पर दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 बेस्ड Realme के UI 3.0 पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेटेस्ट ओएस के साथ में आता है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है, सो ओवरऑल आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आती। तो अब बढ़ते हैं फोन के मेन फीचर्स की तरफ। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक कॉम्पैक्ट साइज की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, अप टू 1000 नीट्स की ब्राइटनेस भी मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आती। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए 90Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको यहां पर दी गई है, सो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहां पर काफ़ी अच्छी मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं फोन की आंखों के बारे में। और दोस्तों इस फोन के बैक साइड में आपको मिल जाती है 3-3 आंखें, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा दिया गया है, डे लाइट वगैरह में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती है। रही बात दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही मिलता है अप टू 30fps फ्रंट और बैक कैमरा से। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा निराश जरूर करता है। तो अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 680 का 4G चिपसेट, और ये चिपसेट बना हुआ है 6nm की फैब्रिकेशन पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हीटिंग की शिकायत काफ़ी कम आती है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन जहाँ बात आती है परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन स्कोर करता है Antutu पर लगभग 2,75,000 के आसपास, जिसका मतलब कि डे टू डे टास्क आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये एक गेमिंग चिपसेट नहीं है तो आपको यहाँ पर उतनी अच्छी गेमिंग तो नहीं कराएगा, लेकिन फिर भी आप इस बजट के हिसाब से डिसेंट गेमिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सभी के अलावा फोन के अंदर UFS 2.2 का स्टोरेज लगा हुआ है, जो कि आपको रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी फास्ट दे देता है, सो देखा जाए तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है।
चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के अंदर आपको दी गई है 5000 mAh की बैटरी और देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाता है। साथ ही में ये फोन 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। सो बेसिकली दोस्तों अगर आप यहाँ पर हायर रिजोल्यूशन मेगापिक्सल वाला कोई कैमरा सेटअप चाहते हैं तो गाइस ये स्मार्टफोन आपके लिए इस बजट के अंदर काफी अच्छी चॉइस है। आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड वाली पैनल भी मिल जाती है, प्रोसेसर भी दोस्तों आपको यहाँ पर बजट के हिसाब से डिसेंट देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पर भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आती है। फोन काफी अच्छा है, अच्छे फीचर्स के साथ में आता है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 128 वाला वेरियंट नॉर्मली आपको 17,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाता है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर ये जो स्मार्टफोन है आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट के साथ में मिलता ही रहता है और अभी भी स्मार्टफोन पर आपको 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप किसी भी बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से स्मार्टफोन को लेते हैं। तो जिसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है अराउंड 15,500 रुपए की प्राइस पर और भाई सेल वगैरह में तो ये स्मार्टफोन आपको लगभग 14,000 रुपए की प्राइस पर भी मिल जाता है। सो चाहे तो आप स्मार्टफोन को सेल में ले सकते हैं या फिर दोस्तों अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को अभी भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। फोन अच्छे कैमराज के साथ में आता है, चाहें तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस लिस्ट का जो आखिरी फोन है यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा और बेटर मिलता है, जहाँ पर आपको इमेज क्वालिटी वगैरह भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। ये स्मार्टफोन है सैमसंग का गैलेक्सी F23 5G। चलिए शुरू करते हैं फोन के कैमरा से। बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलने वाली है, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का और दोस्तों यहाँ पर भी आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिलेगा और सामने की तरफ आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप दोस्तों फोन का यहाँ पर थोड़ा सा बेटर आपको मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों सिंगल टेक जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट फोटोज एक ही क्लिक पर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर HDR एक्सपोजर और सैचुरेशन वगैरह भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी मिलती है, काफी डिटेल्ड रहती है, तो वहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पर बैक कैमरा से अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है up to 30 FPS। सो भाई देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है, आपको यहाँ पर कंप्लीट सेटअप मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर एक कंटेंट क्रिएटर भी है भाई तो आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग काफी अच्छी मिल रही है, ओवरऑल आपको यहाँ पर कैमरा से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें कुछ अदर फीचर्स की तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और साथ ही ट्रिपल कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। और हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आएगा, जहाँ पर आपको मिलता है 1UI 4.1। तो सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा है, साथ में आपको यहाँ पर सैमसंग की ऑफिशियल नॉक्स सिक्योरिटी भी मिलती है जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स की। तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक TFT LCD पैनल, साथ ही में अप टू 700 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है और 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। हालांकि TFT पैनल है दोस्तों, लेकिन डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बात करें परफॉर्मेंस की दोस्तों तो फोन के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 750G का चिपसेट और ये चिपसेट बना हुआ है 8nm पर, लेकिन आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है। डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है, आप यहाँ पर हैवी गेमिंग वगैरह भी काफी इजीली कर पाते हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात कर ले पावर हाउस की दोस्तों तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 25 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, इस बात को आप बिल्कुल भी ख्याल में रखिएगा। तो भाई बैकअप तो आपको अच्छा निकाल कर देगा, लेकिन आपको यहाँ पर एडेप्टर को अलग से परचेस करना पड़ेगा, इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। और भाई सैमसंग का फोन है तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग मिल जाती है, तो ये भी अच्छी बात है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर एक नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे कैमराज अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो भाई आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो दोस्तों 4GB रैम 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के लिए जनरली आपको यहाँ पर 16,000 रुपये पे करने पड़ते हैं, लेकिन सेल वगैरह में ये स्मार्टफोन भी आपको अंडर 14,000 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाता है। और भाई देखा जाए तो फोन अच्छा है, अच्छे फीचर के साथ में आता है, चाहे तो आप स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। गाइस इस लिस्ट में एक और स्मार्टफोन होना चाहिए था और वो है दोस्तों यहाँ पर रेडमी का नोट 10 प्रो, पर दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है काफी ओल्ड हो चुका है और काफी लोग यहाँ पर कंप्लेन भी कर रहे हैं भाई कि सॉफ्टवेयर के बाद यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें स्मार्टफोन के अंदर आ रही हैं। सो गाइस अगर आप अपने रिस्क पर स्मार्टफोन को लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों, कैमरास फोन के काफी स्ट्रांग है, आपको बेहतर इमेज क्वालिटी देखने को मिलती है, अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाती है, परफॉर्मेंस वगैरह भी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिल जाएगी, तो भाई फोन काफी तगड़ा है। अगर आप चाहें तो यार स्मार्टफोन को अपने रिस्क पर देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 6 और 128 वाला वेरिएंट लगभग आपको यहाँ पर 16,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाता है और बैंक ऑफर्स के साथ में अंडर 15,000 रुपीज की प्राइस पर ये स्मार्टफोन भी आपको मिल जाएगा।
सो फाइनली गाइज, ये थे वो टॉप 4 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन जो कि आपको मिलते हैं अंडर 15,000 रुपीज। और जहां दोस्तों आपको फीचर्स वगैरह भी काफी अच्छे मिल जाएंगे और सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।